नमस्कार साथियों, मैं खड़ा हूं अभी एएमयू के क्रिकेट पार्क में। देख सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम है ये। और आज मैं आया हूं जो शूट करने के लिए जो आया हूं, हमारे साथ हैं कपिल भैया जी। इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है ये डीप एंड डम क्रिकेट, जो अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जिसका मेरे चैनल पर मिनी ब्लॉग भी आएगा। लेकिन उससे पहले मैंने भैया से बात की तो भैया ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई यहाँ के बारे में कि जो ये क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया है भैया जी ने ही किया है, और ये उतना ही मतलब वैल्यू रखते हैं ये जितना नॉर्मल क्रिकेटर हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो ही भैया से डायरेक्ट मिलते हैं, मैं ज़्यादा ना बोल के भैया से ही पूरा इंट्रो सब कुछ बताता हूँ। तो हेलो भैया जी, जरा इस इनके बारे में बताइए, जो एक गेम चल रहा है जो कल से शुरुआत हुई है, 15 मार्च से 17 मार्च तक आई है, तो अभी भैया जी से समर्पित करता हूँ पूरी तरह से। तो बताइए भैया जी, आपके ब्लॉग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, अलीगढ़ के इतिहास में ये प्रथम 2020 मूक बधिर बच्चों का ये टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट को यहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर अनुभव गौतम, उसने इसका मुहिम चालू करी थी मेरे पास लाके, भैया ये इस तरीके से करना है। उसके बाद इनके लिए मैंने एएमयू, अहिल्या बाई स्टेडियम, सब लोगों से सपोर्ट लेके इन बच्चों के लिए शुरुआत करी। मैं आपके ब्लॉग मतलब आपके चैनल के माध्यम से, आप जो ब्लॉग बना रहे हो उसके माध्यम से पूरे समाज में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन बच्चों में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, बस एक ठाकुर जी की ऊपर वाले की कृपा से ये सुनते बोलते नहीं है। जैसे हम और आप एक स्वस्थ हैं, ऐसे ही ये लोग स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला इन्होंने कल, और इस इनके क्रिकेट की सराहना हुई है। कल कमिश्नर जो अलीगढ़ की प्रथम महिला हैं, वो स्पोर्ट्स से ही हैं, उन्होंने आकर इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत खुशी अपनी व्यक्त करी कि मैं ऐसे बच्चों का हिस्सा बनी हूँ। प्रथम बार आके पहले ही टूर्नामेंट को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इनमें और हम में कोई कमी नहीं है, खेल का जज्बा होना चाहिए, खेल के खिलाड़ी जो खेलता है वो खिलता है। तो ये लोग खिल रहे हैं और हमारा समाज देख रहा है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने से द्वेष नहीं करना। हाँ, एक समस्या रहती है कि जो जो बोलते हैं वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज हम लोगों की समझ में नहीं आती है। हम लोग जैसा बोलते हैं एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं, ये नहीं समझ पाते। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और हमारे अलीगढ़ के कल विधायक भी आए थे, और नगर आयुक्त भी आए थे, और हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति, उन्होंने भी वाइस चांसलर, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया, गुब्बारे भी छोड़े, काफ़ी सपोर्ट मिली है। इस समय आप लोगों के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट मिले और ये कार्यक्रम आगे चलता रहे इन बच्चों को। इसमें 8 राज्यों की टीम आ रही है, सबसे बड़ी बात है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 8 राज्यों की टीम है, अलीगढ़ के ऐसे बच्चे जो 8 राज्यों से आए हैं अलग अलग, उससे सारे डेफ हैं, कोई बच्चा सुनता बोलता नहीं है। ये डीप एंड डम पूरी तरीके से बच्चे हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप पीछे मेरे पीछे माहौल देख सकते हैं, सुबह सुबह उठ के इन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी करी है, और यहाँ पे अपना पूरा क्रिकेट ग्राउंड में खड़े होकर पूरा मैच खेलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू आपका, और इतने अच्छे से बताने के लिए। तो गाइस, ये बता दूं मैं आपको कि ये अलीगढ़ में पहली बार हो रहा है, और मुझे भी आने का मौका मिला, और हमारे विशाल जी मुझे लेके आए जो वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, तो उनका थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। उनकी वो समृद्धि ज्वेलर्स में जो वर्क करते हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप है यहाँ पर जी, तो जी। उसके जरिए मुझे भी आने का मौका लगा। आपको बताऊँ, काफ़ी लोगों ने मदद की है, ऐसी बात नहीं है, अभी शुरुआत हुई है, कारवां शुरू हुआ है। समृद्धि ज्वेलर्स है, कोनार पाइप है, और कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल है, उमा एक्सपोर्ट है, और यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी इनको सपोर्ट किया है। तो मतलब धीमे धीमे करके अभी लोगों को जागरूकता नहीं है, सपोर्ट की है, स्पॉन्सर दिया है, इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी मेरी बात हुई है गुजरात वगैरह में, सरकार और भी जो महकमे हैं वो सुविधाएँ इन लोगों को ज़्यादा देते हैं, अपेक्षाकृत अभी हमारे यहाँ जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार और समाज के लोग इनको अप्रिशिएट करें और आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे भी सभी से कहना चाहता हूँ, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जितना हो सके इनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह ही खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, काफ़ी प्रतिभा है इनके अंदर, और मैं मिला अभी इनसे सबसे। तो गाइज, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सभी पर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।